नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता नफे सिंह राठी की जान लेने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वैसे ही कुछ तथ्य सामने आए हैं। लंदन में बैठे गैंगस्टर कपिल सांगवान ने नफे सिंह राठी के कांड की जिम्मेदारी ले ली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये दावा किया जा रहा है, जिसमें कपिल सांगवान के हवाले से पोस्ट में ये कहा गया है, ये लिखा गया है कि उसी ने नफे सिंह राठी को खत्म करवाया है और अब पुलिस उस सोशल मीडिया पोस्ट की जांच में जुटी हुई है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई इस पोस्ट में कपिल सांगवान के हवाले से ये कहा गया है कि नफे सिंह की गैंगस्टर मंजीत महल से गहरी दोस्ती थी। वहीं नफे सिंह मंजीत महल के भाई संजय के साथ मिलकर प्रॉपर्टी पर कब्जा किया करने का काम करता था और साथ ही आगे पोस्ट में ये भी लिखा है कि जो उसके दुश्मन उसे हाथ मिलाएगा उसका अंजाम यही होगा। वहीं कपिल के नाम से की गई इस पोस्ट में ये आगे लिखा गया है कि उसके जीजा और उसके दोस्तों की जान लेने में नफे सिंह राठी ने महाल को सपोर्ट किया था। गैंगस्टर सांगवान के नाम से की गई इस पोस्ट में ये लिखा गया है कि इनकी दोस्ती के साथ फोटो डाल रहा हूँ, जो मेरे दुश्मनों को सपोर्ट करेगा मैं उसके दुश्मनों को सपोर्ट करूँगा और पूरी 50 गोलियाँ उसका इंतजार करेंगी। नफे सिंह ने पावर में रहकर जितने लोगों की ज़मीन पर कब्जा किया है और उनकी जान ली है, पूरे बहादुरगढ़ को इस बात का पता है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि उसकी पावर की वजह से। वहीं अगर पुलिस उसके जीजा और उसके दोस्तों की जान लेने पर इतनी एक्टिव होती तो उसे काम करने की ज़रूरत ही नहीं होती। इंडियन नेशनल लोकदल के हरियाणा चीफ नफे सिंह राठी कांड का मामला अब CBI के पास पहुंच चुका है। आपको बता दें कि ये जांच CBI को इसलिए दी गई है क्योंकि नफे सिंह कांड के मामले में सुपारी किलिंग का एंगल भी सामने आ रहा है और इस कांड के तार जो हैं अब ब्रिटेन से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ब्रिटेन के कुख्यात भारतीय गैंगस्टर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये हाई प्रोफाइल केस और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है और उलझता हुआ नजर आ रहा है। नफे सिंह राठी कांड के पीछे पहले ही ब्रिटेन में बैठे गैंगस्टर कपिल सांगवान पर शक की सुई घूम रही थी क्योंकि वो पहले ही इस तरह के कई राजनीतिक कांड को अंजाम दे चुका है और अब कपिल सांगवान के नाम से की गई सोशल मीडिया पोस्ट इस बात की तस्दीक कर रही है, जिसमें उसकी तरफ से नफे सिंह कांड की जिम्मेदारी ली गई है। और अब आपको ये भी बता दें इस वीडियो के जरिए कि आखिर कपिल सांगवान है कौन जिसने नफे सिंह राठी कांड की जिम्मेदारी ली है। कुछ साल पहले कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू पेरोल पर जेल से बाहर आया था और उसके बाद वो वहां से फरार हो गया था। फिलहाल वो इंग्लैंड में रहता है। कपिल सांगवान दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला शख्स है। उसका घर नंदा इनक्लेव में है। उसने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के विकासपुरी से की है। उसके बाद वो गुरुग्राम के MIT यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। वहीं कपिल सांगवान ही नहीं बल्कि उसका भाई भी जान लेने के एक मामले में फरार चल रहा है। वहीं कपिल के खिलाफ रंगदारी हथियार के दम पर लोगों से उगाही करना और आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वह असल में उसे साल 2014 में आर्म्स एक्ट और झगड़े के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन फिर वो पेरोल पर बाहर आ गया था। उसके बाद वो फरार हो गया। उसके बाद से वो UK चला गया, जहां से अब वो अपना गैंग चला रहा है। वो जेल में अपनी गैंग के जरिए दहशत फैलाकर उगाही भी करता है। जानकारी कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।